अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है। आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बटन बटन, और फर्स्ट ईयर बुक वन से ये चैप्टर सिलेक्ट किया गया है। बेटा, बटन बटन जो हमारे पास चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास तीन मेजर करेक्टर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास नॉर्मा, एक ग्रीडी वुमेन के तौर पर जिसे पेश किया गया है। सेकंड ऑर्थर, जो कि नॉर्मा का हस्बैंड है। और थर्ड मिसेस स्टीवर्ट है, जो कि एक एजेंट है। मिसेस स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा के पास एक आला लेकर आता है जिसको कहते हैं पुश बटन यूनिट, यानी बटन दबाने वाला आला। मिसेस स्टीवर्ट उसको पेशकश ये करता है कि अगर आप इस बटन को दबाएंगी तो दुनिया में कोई भी एक इंसान जो है वो मर जाएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, यानी आप उसको जानती ही नहीं होंगी और उसे भी नहीं पता चलेगा कि आपके बटन दबाने से उसकी डेथ हो गई है, और इसके इवज आपको मिलेगा $50,000। ये एक रकम दी जाएगी। एक्चुअली ये एक जो रकम है ये इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कंपनी है वो प्रेजेंट करेगी नॉर्मा को। अच्छा, इस चैप्टर का मेन मकसद है के लोगों को लालच दे के ये चेक करना, ये देखना कि कितने फीसद लोग जो हैं वो लालच में आ जाते हैं और पैसों के लिए लोगों को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइडियाज में ये है कि मिस्टर स्टीवर्ट गिव्स टेम्पटेशन टू नॉर्मा। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो लालच देता है नॉर्मा को और ऑथर को। नॉर्मा ओवरकम्स ग्रीड। नॉर्मा जो है वो लालच में आ जाती है एंड गेट्स हर हस्बैंड डाइड इन एन एक्सीडेंट। और होता यह है कि उसके खावंद की डेथ हो जाती है एक हादसे में जब वो बटन दबाती है, क्योंकि वो लालच में आ जाती है और लालच में आ जाने से उसका नुकसान ये होता है कि उसके खावंद की डेथ हो जाती है। क्रक्स हमारे पास जो है वो है ग्रीड इज कर्स, यानी लालच बुरी बला है। जब बटन दबाया जाता है तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो जो आला होता है बटन वाला, वो उसकी कंपनी के साथ, जिस कंपनी में वो काम करता है उसके साथ मुंसलिक होता है और उनको पता चल जाता है कि बटन दबा दिया गया है। लेकिन वो एक पूरे प्लान एक्शन के साथ, वो एक मंसूबाबंदी के साथ आर्थर का एक्सीडेंट करवाते हैं, जिसके इवज उसको इंश्योरेंस, क्योंकि आर्थर की इंश्योरेंस हुई होती है तो उसको इंश्योरेंस का जो पैसा है वो डबल होके मिलता है, यानी वो पहले होता है हमारे पास $25,000, लेकिन वो बाद में है जो $25,000 होता है वो $50,000 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेट्स हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वर्ड पिक किए गए हैं, ये कुछ वर्ड हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बेटा, वो फर्स्ट टू पैसेज में से मैंने लिए हैं। अगर आप इनको गौर से पढ़ें तो इंशाल्लाह आपके फर्स्ट टू पैसेज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वर्ड है पैकेज, यानी लफाफा, जिसका मतलब है या बंडल, और इसका सिनोनिम है पार्सल। सेकंड हमारे पास है सील्ड, यानी बंद किया हुआ। लॉक्ड, इसका सिनोनिम है यानी बंद किया हुआ। अनलॉक्ड का मतलब है खुला हुआ। ओपन का मतलब भी खुला हुआ। अपार्टमेंट का मतलब है रूम, यानी ये इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों का जो मायने है वो एक हैं। चॉप्स यानी टुकड़े, और स्टिक्स को भी इंग्लिश में जो है वो टुकड़ों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसका सिनोनिम है। ब्रायलर यानी अंगीठी, और हर्थ को भी अंगीठी कहते हैं, यानी चूल्हा वगैरह। फास्टन बंधा हुआ, तो लॉक्ड का मतलब भी बंधा हुआ। टाइप्ड, टाइप का बेटा मतलब है तहरीर किया हुआ, और प्रिंटेड का मतलब भी तहरीर किया हुआ। तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जिनकी मदद से हम लोग अपने जो फर्स्ट टू पैसेज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पैकेज है, यानी उसके बारे में, ये पैकेज जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट वर्ड डिस्कस किया यानी बंडल के तौर पर, तो इसको देखते हैं कि आगे हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है।
द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर. तो कहते हैं जो पैकेज है, जो बंडल है, वो पड़ा था. लाइंग का बेटा मतलब है पड़ा था. बाई द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे के करीब. फ्रंट डोर का मतलब है सामने वाला दरवाजा. बाई का मतलब करीब. अ क्यूब शेप्ड कर्टन सील्ड. और एक मुकाब नुमा. क्यूब शेप्ड का मतलब है मुकाब नुमा. कर्टन, गत्ते का डिब्बा. सील्ड, जिसे बंद किया गया था विद टेप. किसके साथ? टेप के साथ. देयर नेम, उनके नाम एंड एड्रेस और उनका पता. प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से लिखे गए थे. मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस 217A, यानी मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस 217A. 37th Street, 37 नंबर गली. न्यूयॉर्क 10016. न्यूयॉर्क 10016. नॉर्मा पिक्ड इट अप. नॉर्मा ने इसे उठाया. अनलॉक्ड, खोला द डोर, दरवाजे को. एंड वेंट इन टू द अपार्टमेंट, और कमरे में चली गई. इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था. यानी जस्ट का यहां पे मतलब है अभी अभी. अभी अंधेरा छा रहा था. After she had put the lamb chops, lamb chops का बेटा मतलब होता है बकरे के गोश्त के टुकड़े. बकरे के गोश्त के टुकड़े रखने के बाद in the ब्रायलर अंगीठी में she sat down, वो नीचे बैठ गई. To open the package, इस लिफाफे को खोलने के लिए. Inside the carton was a push button unit. इस carton के अंदर, इस गत्ते के डिब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था जो बंधा हुआ था. टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ. फॉस्टन का मतलब है बंधा हुआ. अ ग्लास डूम कवर्ड द बटन, और एक शीशा नुमा गुंबद था जिसने डांपा हुआ था इस बटन को. यानी ये बटन एक शीशा नुमा गुंबद से ढका हुआ था. नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ. नॉर्मा ने कोशिश की इसको खींच कर उतारने की. लिफ्ट इट ऑफ का मतलब है खींच कर उतारना. बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये उस जगह पे मजबूती से बंधा हुआ था. शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने इसको उल्टाया. टर्न का मतलब उल्टाया, और ओवर ये फ्रेजल है. उसने यूनिट यानी साले को उल्टाया. एंड सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और देखा कि एक तयशुदा कागज का टुकड़ा है. स्कॉच टेप्ड, जिसको शीशा टेप के साथ लगाया गया है. टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, इस डिब्बे के पैंदे में. टू द बॉटम, बॉटम कहते हैं पैंदे को. शी पुल्ड इट ऑफ, उसने खींच कर उसको उतारा. पुल्ड इट ऑफ का बेटा मतलब है खींच कर उतारना. मिसेस स्टीवर्ट विल कॉल यू ऑन एट 8 PM. मिसेस स्टीवर्ट आपको रात 8 बजे मिलने आएंगी. मिसेस स्टीवर्ट कॉल ऑन का मतलब है मिलने आना. वो आपको रात 8 बजे मिलने आएंगे. जी डियर स्टूडेंट, ये आज हमने फर्स्ट 2 पैसेज को डिस्कस किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे और मज़ीद डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया.